पर नियंत्रण। क्रोध से बहुत नुकसान होता है, क्रोध नहीं करनी चाहिए। एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी। वह स्वभाव से बहुत बहुत गुस्से वाली थी। गुस्सा उसकी नाक पर बैठा रहता था। छोटी छोटी बातों पर वह थुनक जाती और लोगों को भला बुरा कह देती थी। आस पड़ोस में रहने वाले लोग उससे परेशान थे और उससे बात करने से घबराते थे। घर कैसे अछूता रहता। उसका गुस्सा घर पर कलह का कारण बन चुका था। उस स्त्री का एहसास था कि गुस्सा उसके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अक्सर गुस्सा उतरने के बाद वह पछतावे की आग में जला करती थी, लेकिन गुस्सा नियंत्रण के बाहर होने के कारण स्वयं को लाचार पाती। एक दिन गांव में एक महात्मा पधारे। उनकी कृति जब स्त्री के कानों तक पहुंची, तो उसने निश्चय किया कि वह महात्मा जी से मिलकर अपने गुस्से को दूर करने का उपाय पूछे। वह महात्मा से मिलने पहुंची और प्रणाम कर बोली, गुरुवर, मैं अपने गुस्से से परेशान हूँ। गुस्से पर काबू ही नहीं रख पाती। गुस्से में अक्सर लोगों को भला बुरा कह जाती हूँ और बाद में पछताती हूँ। मेरे गुस्से का कारण सब मुझे नज़रअंदाजा करने लगे हैं। इससे मैं बहुत दुखी भी हूँ। मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं गुस्सा करना छोड़ दूँ। महात्मा ने उसे एक शीशी दी और बोले, पुत्री, इस शीशी में क्रोध दूर करने की दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए, इस शीशी में से मुंह लगाकर दवा को कुछ घूंट पी लेना। स्त्री दवा पाकर बहुत खुश हुई और महात्मा का धन्यवाद कर अपने घर लौट गई। उसके बाद उसे जब भी गुस्सा आता, वह शीशी से मुंह लगाकर दवा पी लेती। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। 7 दिन बाद जब शीशी की दवा खत्म हो गई, तो वह फिर से महात्मा के पास पहुंची और बोली, गुरुवर, आपने मुझे गजब की दवा दी है। पीते साथ ही गुस्सा छू मंदर हो जाता है। अब वह दवा खत्म हो गई, कृपया कर मुझे उस दवा की एक शीशी और दे दीजिए। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी, उसमें सादा पानी भरा हुआ था। क्रोध आने पर जब भी तुम उस शीशी से पानी पीती थी, तो शीशी मुंह में होने के कारण तुम कुछ बोल नहीं पाते थे। क्रोध दूर करने का उपाय बस अपना मुंह बंद कर लेना है। अब से यही किया करो। सीख हमें यही मिलती है, क्रोध दूर करने का उपाय बस अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए।